वेलकम फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। फाइंड दी इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन। इधर फंक्शन दिया गया है 3 बाय एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई रेस टू माइनस एस बाय एस क्यूब माइनस 3 ई रेस टू माइनस 2 एस बाय एस है। इसको इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना है। ये तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। इधर देखिए इनवर्स लैपलास ऑफ 3 बाय एस स्क्वायर है प्लस इनवर्स लैपलास ऑफ 2 इंटू ई रेस टू माइनस एस बाय एस क्यूब है माइनस इनवर्स लैपलास ऑफ 3 इंटू ई रेस टू माइनस 2 एस बाय एस है। ठीक है, नाउ 3 को बाहर लेंगे हम। ये हो गया 3 इनवर्स लैपलास ऑफ 1 बाय एस स्क्वायर हो गया, बहुत ही सिंपल है। प्लस 2 को बाहर लेंगे, सेकेंड टर्म इनवर्स लैपलास ऑफ ई रेस टू माइनस एस बाय एस क्यूब है। थर्ड टर्म में 3 बाहर लेंगे, माइनस 3 इनवर्स लैपलास ऑफ ए हो गया ई रेस टू माइनस 2 एस बाय यस हो गया। ठीक है, नाउ आपको प्रॉपर्टी पता ही होगा इन स्टेप फंक्शन का। इधर रखिए, फर्स्ट हम लैपलास लिखता हूँ। लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू ए आएगा ई रेस टू माइनस ए एस इंटू एफ बार ऑफ यस है। ठीक है, हमको इधर क्या करें, इनवर्स लैपलास अप्लाई करेंगे इस प्रॉपर्टी को। इस प्रॉपर्टी को इनवर्स अप्लाई किया तो ए आएगा इनवर्स लैपलास ऑफ ई रेस टू माइनस ए एस इंटू एफ बार ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस ए यू ऑफ टी माइनस ए। ये फर्स्ट टर्म को डायरेक्ट फंक्शन यूज़ करेंगे, हमको सेकेंड टर्म में थर्ड टर्म में इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना है बिकॉज ई रेस टू माइनस ए एस ई रेस टू माइनस टू एस है। ए पार्ट हो गया, ई रेस टू माइनस ए एस पार्ट हो गया। ठीक है, नाउ आपको और एक स्टैंडर्ड फंक्शन पता ही होगा, इनवर्स लैपलास ऑफ 1 बाय एस रेस टू एन प्लस 1। ये हो गया टी रेस टू एन बाय एन फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, और एक डेफिनेशन है, इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ एस इज इक्वल टू ए होता है एफ ऑफ टी। ओके, ए फर्स्ट इस फर्स्ट टर्म फर्स्ट स्टैंडर्ड फंक्शन यूज करेंगे, सेकेंड एंड थर्ड टर्म को ए प्रॉपर्टी यूज करेंगे। पहले हम ई रेस टू माइनस ए एस पार्ट को फाइंड आउट करेंगे, ये हो गया ई रेस टू माइनस ए एस पार्ट, बाकी 1 बाय एस क्यूब इज एफ बार ऑफ एस। सेकेंड टर्म में ई रेस टू माइनस टू एस ए पार्ट हो गया, एफ बार ऑफ एस इज 1 बाय एस है। ठीक है, नाउ सो इनवर्स इसको हम लेंगे, हम इनवर्स ऑफ 1 बाय एस स्क्वेयर इस प्रॉपर्टी को स्टैंडर्ड फंक्शन यूज किया तो ए आएगा एन प्लस 1 इज इक्वल टू एस स्क्वेयर, एन इज इक्वल टू 1 हो गया, ये हो गया ओनली टी आएगा। ठीक है, बाद में 1 बाय एस क्यूब लेंगे हम, इनवर्स लैपलास ऑफ 1 बाय एस क्यूब इस स्टैंडर्ड फंक्शन यूज करेंगे, ये होता है टी स्क्वेयर बाय 2 फैक्टोरियल। बाद में इनवर्स ऑफ 1 बाय एस इज इक्वल टू ए बी स्टैंडर्ड फंक्शन है 1 आएगा। ठीक है, हमको एफ पर एफ एस मिल गया ई रेस टू माइनस ए, इसको ई रेस टू ए इक्वल टू 1 आएगा, इसमें ए इज इक्वल टू 1 आएगा, इसमें ए इज इक्वल टू 2 आएगा। ओके, हमको एफ ऑफ टी माइनस चाहिए। ठीक है, नाउ देयरफॉर इनवर्स लैपलास ऑफ ए टर्म लेंगे 3 बाय एस स्क्वेयर प्लस 2 ई रेस टू माइनस एस बाय एस क्यू माइनस 3 ई रेस टू माइनस 2 एस बाय एस इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड है, ये हो गया 1 बाय एस स्क्वेयर इज टी हो गया। ठीक है, ये 3 इंटू टी हो गया, बहुत ही सिंपल है। सेकेंड टर्म देखिए, सो 1 बाय एस क्यूब इज इक्वल टू वाट, टी स्क्वेयर बाय 2 फैक्टर, दिस पार्ट इज एफ ऑफ टी। इस प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे हम, इधर इसको देखो, इनवर्स ऑफ एफ बार ऑफ इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, ये हो गया इनवर्स ऑफ लैपलास एफ बार ऑफ इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी इज टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। प्रॉपर्टी भी क्या है, जस्ट टू रिप्लेस टी इज इक्वल टू टी माइनस ए एंड मल्टीप्लाई यू ऑफ टी माइनस ए, ए इज इक्वल टू वाट ए 1 ए, टेक टी इज इक्वल टू टी माइनस 1, ये होता है एफ ऑफ टी माइनस ए। इन सेकेंड टर्म में ए इज इक्वल टू 1 है, ये होता है दिस इज एफ ऑफ टी t minus 1 whole square by 2 factorial and this 2 is as it is minus e raised to minus as by f by as by as into f bar of s, a property f of t. So 1 by s square, sorry 1 by s, inverse of 1 by s 1 hai 1. Okay, and multiply by u of t minus a is equal to 2 hai, ye ho gaya u of t minus 2 ho gaya into 3 aayega ए पार्ट, इसको मल्टीप्लाई किए। ओके, नाउ एंड दिस इज इक्वल टू 3t, 2 कैंसिल हो गया, 2 फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया, 3t प्लस
टी माइनस वन होल स्क्वेयर इंटू यू ऑफ, सॉरी इधर मिस्टेक हो गया, हम इधर मल्टीप्लाई करना चाहिए था, यू ऑफ मल्टीप्लाई यू ऑफ टी माइनस ए इक्वल टू वन, इधर यू ऑफ टी माइनस वन आएगा, सॉरी यू ऑफ टी माइनस वन माइनस थ्री यू ऑफ टी माइनस टू. सो दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन. अगर आपको इस वीडियो तो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी दीजिए. सब्सक्राइब कीजिए तो नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा. आपको दूसरी वीडियो चाहिए तो मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाइए, और आई बटन में कुछ लिंक्स है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.